तो गाइस कैसे हैं आप लोग। जैसा कि देख रहे हैं मैं साजन एंड काजल कॉस्मेटिक से। तो आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं आज बहुत अच्छा ही मौका है यहाँ पे घूमने आया हुआ था मैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये 7 स्टार होटल है, मैं जहाँ पे घूम रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए, मैंने सोचा पर बात करने में क्या जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था यहाँ पे, तो हमने सोचा क्यों ना घूम लिया जाए यार, और कुछ काम धो तो क्यों ना टाइम पास करा जाए भैया। अभी हम बैठते हैं यहाँ पे, कुछ बात करेंगे आप लोगों के साथ। और बताइए कि सब लोगों का खाना पीना हो गया होगा, जहाँ तक आई हो मुझे पता है, जहाँ तक खाना पीना हो गया होगा सब लोगों को। तो भाई तो मैं ये कहना चाह रहा था तुम लोगों को, जैसे कि अगर आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, अगर मुझको देख रहे हैं, नहीं देख रहे हो, जो भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो मैं बता दूंगा। पहली बात तो ये कि ज़िंदगी में कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, गम खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले बात बता दूँ, मैं सबसे पहले ज़िंदगी में गम खाना सीखूँ। और गम खाने का मतलब समझते हो, जब गम खाना सीख जाओगे तो कम खाना सीख जाओगे, जब कम खाना सीख जाओगे तो सबकी सुनना सीख जाओगे, सबकी सुनना सीख जाओ तो ज़िंदगी मस्त जियोगे। अब ये लगा लो अंदाज़ा, हमारे पास में जितने भी लोग रहते हैं हमारे यहाँ पे, हमारे दोस्त हो, दुश्मन हो, और जितने भी हमारे सब बिंदास जीते, कोई टेंशन नहीं होती है। हमको भी किसी से टेंशन नहीं है, ना उनको किसी से कोई टेंशन नहीं है भाई, मज़े में रहते हैं, मस्त जीते हैं, सारे बिंदास रहते हैं, मस्त जहाँ भी रहो मस्त रहो, मस्ती में जियो और मस्ती करो, एंजॉय करो, फुल मस्ती में जियो। तो गाइस अभी आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, तो गाइस यार क्या भैया खुजली हो रही है आँखों में, जब भी तुम्हारी आंखों में खुजली हो, अरे यार तुम्हारी आंखों में खुजली होने का मतलब ये होता है कि तुम्हारी आंखों में खुजली हो रही है। कैसा कैसा बात करते हैं लोग यार, तुम लोग सोच रहे होगे कि तुम्हारी आंखों में खुजली का मतलब ये होता है, समझे दया? नहीं समझे, समझना भी नहीं चाहिए दया को, क्योंकि दया तो दया तो गया। तो गैस और बता दूं आप लोग, मैं एक बात कि जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम, कि जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम, आगे का पता नहीं कैसे मैं गाऊं सनम। तो गाइस ये गाना जो है आप लोग सुनते हैं, जिंदा रहने के लिए मुलाकात जरूरी है सनम, तो कोई जरूरी वरूरी नहीं है ये, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है मुलाकात। जिंदा रहने के लिए सबसे पहले कमाना और खाना, बस ये जरूरी है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो दुनिया तुम्हारे पास है, पैसा नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ घंटा नहीं है। तुम चाहे जितने हैंडसम हो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो समझ लो कोई तुमको पूछने वाला नहीं है। और चाहे तुम कलुआ हो, कैसा भी हो, कौन टेंशन तुमसे पूछेंगे भाई कैसा है। तो ज़िंदगी में इतना याद रखना कि पैसा से बड़ा कोई नहीं है, चाहे दोस्त हो, दुश्मन हो, भाई हो, कोई भी हो, सबसे बड़ा पैसा है, तभी लोग पूछते कैसा है। तो कमाओ पैसा बहन, साल दिमाग खराब है, कमाओ पैसा देखा जाएगा यार। अभी तक देख लो कि अभी मान के चलो, ये मान के चलो सन 2024 चल रहा है, आज 10 मई हो गई सन 2024 की, और मेरी उम्र समझो 98 है, तो 26 साल का हो गया मैं आज, ठीक है दोस्तों। तो 26 साल में हमने क्या किया, कुछ नहीं, मस्ती करी है, मौज करी है। और शादी से पहले सारे लोग मौज ही करते हैं, मस्ती करते हैं, कौन काम करता है यार। इसी बात पे एक गाना सुनते हैं और चलते हैं, फिर बताते हैं तुमको। गाने की बात करें तो तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, मगर बिछड़े तो याद आया, हम दोनों का मिलना भी जरूरी था, तेरी आँखों की दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, मगर बिछड़े तो याद आया, बिछड़ना भी जरूरी था।
तो जैसा कि गाइस आप लोगों ने देखा, बदतमीजी, हम कर रहे थे मस्ती और तुम लोग कर रहे थे मस्ती। हमारे पीछे देख सकते हो बालक टुनटुनी खड़ी करके कैसे बैठा हुआ। एक दो तीन, भाई तीन के तीनों एक करिए यार। हम तो सभी दादी को खुदाई ने मारा, सभी को खुदा की खुदाई ने मारा, मुझे यार तेरी लुगाई ने मारा, लुगाई ने मारा। ओ नहीं यार, ये गाना गलत हो गया थोड़ा सा यार। लुगाई कौन सा हो ना यार, गलत हो गया। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, पागल भी अब हमको दीवाना कहते हैं, तुम जिनके हो अभी उनके बारे बताना, रो रो के उम्मीदों के समुंदर भर दिए, रो रो करके तुम भी नदियां भरते हो, एक बात बताओ तुम यादों पे मरते हो, क्या तुम भी अब हमसे मोहब्बत करते हो, तुम जिनके हो अभी उनके बारे बताना, तुम जिनके हो अभी उनके बारे बताना, क्या आता है तुम्हें उनको चुप कराना, क्या आता है तुम्हें उनको चुप कराना। तो कैसी लगी हमारी बकचोदी जरा हमको बता देना। नमक कम हो तो और सब्जी में मिला लेना, उसके बाद खा लेना, तड़का लगा लेना। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं, बहुत देर हो गई मस्ती, अब मस्ती हो गई बड़ी सस्ती, इसीलिए सभी लोगों को बाय बाय, लव यू ड्रामन, बाय। तो कैसी लगी हमारी बकचोदी जरा हमको बता देना। नमक कम हो तो और सब्जी में मिला लेना, उसके बाद खा लेना, तड़का लगा लेना। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं, बहुत देर हो गई मस्ती, अब मस्ती हो गई बड़ी सस्ती, इसीलिए सभी लोगों को बाय बाय, लव यू ड्रामन, बाय।